यहां पे आप देखो कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल ब्लैक लिस्टेड, साफ है कि इसमें से एक असली है एक नकली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बॉटल है वो तो असली होता है लेकिन अंदर में इंजन ऑयल है वो नकली होता है। तो आइए मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूं। बॉटल के पीछे में आपको इस तरह से जो QR कोड है वो देखने को मिलेगा। पहले मैं इस वाले QR कोड को स्कैन कर लेता हूं। ये है कैस्ट्रॉल का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे सबसे पहले आपको बोल रहा है कि सीरियल कोड आप चेक करो कि बॉटल के पीछे में वो सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यहां पे आप देख लो ये दोनों मैच कर रहा है, तो मैं यहां पे यस में क्लिक कर दूंगा, नहीं तो आपको नो में क्लिक करना है। फिर क्या बोल रहा है कि कैप में भी एक कोड दिया हुआ, आपको मैच करना है कि यहां पे वेबसाइट वाला जो कोड है वो बॉटल के कैप के कोड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यस में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये एक ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट है, यानी कि ये बॉटल असली है। अब हम लोग इसे स्कैन कर लेते हैं। ये स्कैन हो गया, मैं फिर से वेबसाइट ओपन कर देता हूं। अब यहां पे आप देखो ब्लैक लिस्टेड, यानी साफ साफ जो है वो वेबसाइट बता दे रहा है कि ये वाला जो बॉटल है वो नकली है, ये QR कोड ये भी नकली है, ये ब्लैक लिस्टेड जो है वो ये क्लियर कर रहा है।